स्टूडेंट्स, अब आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की टाइप्स पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा था कि टू टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और गैल्वानिक सेल है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आपने डिफाइन किया था पहले भी, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, यानी जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। जब एक्वस सॉल्यूशन में से या मोल्टन स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन में से हम करंट को पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, ठीक है, इस सेल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यानी द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दोनों हो सकते हैं, एक्वस भी मोल्टन भी, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। राइट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इसको नोट डाउन कर लेना है। द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इसको इलेक्ट्रोलिसिस को कैसे डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, ये डेफिनेशन आ सकती है बोर्ड में भी। इट इज डिफाइंड एज द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, यानी केमिकली कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना। इट इज डिफाइंड एज द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इन टू इट्स कंपोनेंट, यानी अपने अज्जा में बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हुए थ्रू द सोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड, यानी कंपाउंड के एक्वस सोल्यूशन में से, आर इन द मोल्टन स्टेट ऑफ द कंपाउंड, या कंपाउंड की मोल्टन स्टेट में से, पिघली हुई हालत में से जब हम इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं, उससे जब जो कंपाउंड होता है वो केमिकली डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है अपने अज्जा में। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है, डाउन सेल है और नेल्सन सेल। अब ये देखें कि ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है, अब ये देखें, ये कंटेनर है जिसके अंदर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें टू इलेक्ट्रोड्स डिप्ड हैं, राइट। इलेक्ट्रोड जो है विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज नोन एज एनोड, और इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। इज इट क्लियर गर्ल्स? आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में स्टडी कर लिया, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टडी करते हैं। एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट्स ऑफ अ वेसल कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होता है, इन एक्वस सोल्यूशन आर इन मोल्टन स्टेट, यानी यानी कंटेनर जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन किस फॉर्म में होता है, या तो एक्वस फॉर्म में होता है या मोल्टन स्टेट में होता है। एक्वस स्टेट को क्या कहते हैं, जब पानी के अंदर कंपाउंड को रिजॉल्व करते हैं उस सोल्यूशन को क्या कहेंगे आप, एक्वस सोल्यूशन। जब आप उसको हीट करेंगे, मेल्ट करेंगे, पिघली हुई हालत में आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोल्टन स्टेट, राइट। और इसके अंदर जो होते हैं टू कंसिस्टिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, यानी इसके अंदर टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं एंड अ बैटरी, और एक बैटरी होती है। बैटरी क्या होती है, सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट का सोर्स होता है। इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड्स को किस चीज़ में डिप किया जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द, यानी वो इलेक्ट्रोड जो कनेक्टेड होता है किससे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव एंड से, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एनोड कहते हैं, राइट। और इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो बैटरी के नेगेटिव एंड से अटैच होता है, उसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। एनोड के ऊपर क्या चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव, और कैथोड के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। अब इसकी फिगर को दोबारा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्योंकि अभी हमने स्टडी किया है उसकी कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये एक वेसल है जिसके अंदर सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन भी हो सकता है और बच्चों मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है, राइट। इसके अंदर टू इलेक्ट्रोड्स डिप्ड हैं, और ये इलेक्ट्रोड किससे कनेक्टेड है, बैटरी से अटैच्ड है, और वो इलेक्ट्रोड, यानी वो इलेक्ट्रोड विच इज अटैच्ड टू द, या विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ अटैच है, उसे हम क्या कहते हैं, एनोड। और एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। और वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड। और कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है बच्चे, रिडक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनर्ट होते हैं, प्लैटिनम के भी हो सकते हैं और कॉपर के भी हो सकते हैं, ये किसी और मेटल के भी हो सकते हैं। और ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं, दीज आर द मेटल प्लेट्स आर वायर थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट एंटर आर लीव द सिस्टम।